हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 19 फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको टेस्ट दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 20 फरवरी के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, और ये जो करंट अफेयर है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है ना वो भी कवर किया जा रहा है। तो कल का आपका टेस्ट था कि किसने FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी 2018 का फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो उनका नाम है ईवा डी गोयडे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका ए, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी जो ने सही दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे 20 फरवरी के करंट अफेयर। सो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस राज्य में चौथे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है। तो इस राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा के अंदर कहाँ? तो हरियाणा के अंदर सोनीपत में। ठीक है, हरियाणा के अंदर सोनीपत में हाल ही में चौथे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है इसका उद्घाटन किन्होंने किया है। तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है राधा मोहन सिंह ने। राधा मोहन सिंह कौन है ये आपको मैं बता देती हूँ। तो ये हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट आपको याद रखना होगा। अब क्योंकि इस सम्मेलन को हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया है 2019 में, थीम भी तो आपको पता होना चाहिए। तो 2019 का थीम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस, एग्री अलाइड अ प्रॉमिसिंग सेक्टर एंड एग्री सर्विस डायरेक्ट मार्केटिंग। ये 2019 का थीम है, नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। अब क्योंकि इस सम्मेलन को हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया तो हरियाणा के बारे में पता नोट कीजिए। यहाँ पर है हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, और आप लोग को पता ही होगा कि पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा की सीटें 90। और हरियाणा का जो फोक डांस है वो है रागनी, और जो नेशनल पार्क है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में 112 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है, और इस हेल्पलाइन नंबर को हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो न्यू दिल्ली में इस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया गया है। किन्होंने इस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? तो राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह कौन है? तो ये हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, जिन्होंने न्यू दिल्ली में 112 एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। देखिए, ये जो हेल्पलाइन नंबर है ना 112, इसे 11 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में भी इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, किसने वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला है। इजी सा क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का पदभार है वो अरुण जेटली जी ने संभाला है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे ये है फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी। देखिए, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया होगा कि जो अरुण जेटली जी है ना, ये अपने स्वास्थ्य का इलाज करवाने के लिए, यानी कि ये बीमार थे ना तो उसका इलाज करवाने के लिए ये विदेश गए हुए थे। तो जब ये विदेश गए हुए थे तो इनके पीछे टेम्परेरी रूप पे जो पीयूष गोयल थे हमारे रेल मंत्री, इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो पीयूष गोयल है इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर रहते हुए बजट भी पेश किया था। ठीक है, तो अब जो अरुण जेटली हैं वो वापस आ चुके हैं, तो उन्हें उनका पद वापस दे दिया जा चुका है।
फाइनेंस मिनिस्टर का जो पद है। तो ये क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट करनी होगी, एक तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम अरुण जेटली, उसके बाद हमारे रेल मंत्री का नाम पीयूष गोयल। देखिए जो पीयूष गोयल है ये हमारे रेल मंत्री भी हैं और कोयला मंत्री भी हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, किस देश ने हाल ही में फतेह नामक पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो उस देश का नाम है ईरान। हाल ही में ईरान ने फतेह नामक एक पनडुब्बी का उद्घाटन किया है। फतेह का मतलब क्या होता है? तो फतेह का मतलब होता है विजेता, पंजाबी शब्द है फतेह, आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, इस पनडुब्बी की पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है फतेह पनडुब्बी, और ये जो पनडुब्बी है ना ये एक अर्ध भारी कैटेगरी में ईरान की पहली पनडुब्बी है। और इस फतेह पनडुब्बी का उद्घाटन किन्होंने किया है? तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है हसन रूहानी, उन्होंने इस पनडुब्बी का उद्घाटन किया है। देखिए इस पनडुब्बी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात आपको नोट करनी होगी कि ये जो पनडुब्बी है फतेह पनडुब्बी, ये क्रूज मिसाइल डालने में भी सक्षम है। अब क्योंकि इस पनडुब्बी का उद्घाटन ईरान ने किया है तो ईरान के बारे में भी आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है रियाल, और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम बता चुकी हूँ मैं, उनका नाम है हसन रूहानी। हमारा आज का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए कि कतर ओपन 2019 का खिताब किन्होंने जीता? तो उनका नाम है एलिस मार्टिन्स। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है एलिस मार्टिन्स, जिन्होंने हाल ही में कतर ओपन 2019 का खिताब जीता है। और क्योंकि इन्होंने ये खिताब जीत लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ की खिलाड़ी हैं। तो एलिस मार्टिन्स ये बेल्जियम की टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने फाइनल्स में किसे हराया? तो फाइनल्स में इन्होंने सिमोना हेलेप को हराया। जो सिमोना हेलेप है ये कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये रोमानिया की खिलाड़ी हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में इम्पॉर्टेंट बात आपको नोट करनी होगी। सबसे पहले मैं आपको एलिस मार्टिन्स के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए जो एलिस मार्टिन्स है ना, ये इनके इस साल का पहला खिताब है WTA के द्वारा, यानी कि वुमेन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा। और अगर इनके कैरियर का देखा जाए तो कैरियर का इनका पाँचवा खिताब है WTA के द्वारा। ठीक है, और जो एलिस मार्टिन्स है ये दुनिया भर के जितने भी टेनिस प्लेयर्स हैं ना उसमें से इनकी रैंकिंग 21st रैंक पे है, और जो सिमोना हेलेप है इनकी रैंकिंग 3rd रैंक पे है। अब क्योंकि ये कतर ओपन खिताब है, कतर में ऑर्गेनाइज किया गया तो कतर के बारे में पता होना चाहिए, और एलिस मार्टिन्स ये बेल्जियम की खिलाड़ी है तो बेल्जियम के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले ये कतर, यहाँ पर है कतर की कैपिटल है दोहा, करेंसी है रियाल, अमीर का नाम है तमीम बिन हमीद अल थानी। मैंने कई बार आप लोगों को बताया जैसे हमारे भारत में प्रेसिडेंट होते हैं ना वैसे ही कतर में अमीर होते हैं, और कतर के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है अब्दुल्ला बिन नसीरा बिन खलीफा अल थानी। अब बेल्जियम के बारे में नोट करेंगे, यहाँ पर बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर है चार्ल्स मिचेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। इस क्वेश्चन में आपको दो देशों के बारे में बताया गया तो दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट नोट करना होगा आपको। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा कि कहाँ पर पहली बार सीवरेज की सफाई करने वाला रोबोट पेश किया गया है? तो उस जगह का नाम है चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है? आप लोग को पता होगा कि चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में हाल ही में सीवरेज की सफाई करने के लिए एक रोबोट पेश किया गया है। रोबोट का नाम तो फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस रोबोट का नाम है बैंडिकट। तमिलनाडु के बारे में नोट करेंगे, यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम है एडापड़ी के पालानी स्वामी, और तमिलनाडु के जो गवर्नर है ना उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा की सीटें 18, विधानसभा की सीटें 234। तमिलनाडु का फोक डांस है भरतनाट्यम, नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमारा आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो जो 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव है इसे हाल ही में जैसलमेर में ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसलमेर कहाँ पर है? तो जैसलमेर राजस्थान में है, राजस्थान के अंदर जैसलमेर में इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया। और ये महोत्सव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो राजस्थान पर्यटन और जिला प्रशासन के द्वारा इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस महोत्सव में क्या होता है कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपको जो कि इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। हमारा आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये किस राज्य के एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है युवा ने लॉरियन स्पोर्ट्स फॉर गुड ऑनर अवार्ड जीता है? तो ये जो एनजीओ है ये झारखंड की एनजीओ है। मैं आपको इस एनजीओ के बारे में बताती हूँ। देखिए जो युवा एनजीओ है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 2009 में, और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो अमेरिका के दो लोग थे जिनका नाम था फ्रैंक गैलस्टर और रोज थॉम्स गैलस्टर। इन दो लोगों ने मिलकर इस युवा एनजीओ की स्थापना की थी, जिस एनजीओ ने हाल ही में लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड ऑनर अवार्ड जीता है। देखिए सर, इस एनजीओ के बारे में और एक इम्पोर्टेंट बात नोट कर लीजिए। देखिए इस एनजीओ का जो मेन फोकस है ना, वो इसी चीज़ पे रहता है कि झारखंड के अंदर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर फुटबॉल कार्यक्रम को संचालित किया जा सके। और इस एनजीओ के साथ लगभग 450 लड़के और लड़कियाँ जुड़े हुए हैं। एनजीओ की फुल फॉर्म आप लोग को पता ही थी, इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब झारखंड के बारे में नोट करेंगे, यहाँ पर है झारखंड, झारखंड की कैपिटल रांची, झारखंड के चीफ मिनिस्टर रघुबर दास जी, गवर्नर यानी कि राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 6, विधानसभा की सीट है 81। और झारखंड का जो नेशनल पार्क है वो है बेतला नेशनल पार्क, और जो फोक डांस है वो झुमेर। आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, किसे शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दो लोगों को सम्मानित किया गया है, पहले हैं उदय देशपांडे और दूसरी हैं स्मृति मंथाना जी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट और सेकंड दोनों लोगों को हाल ही में शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिक्चर दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं उदय पांडे, उदय देश पांडे, और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये हैं स्मृति मंथाना जी। स्मृति मंथाना के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये एक क्रिकेटर है हमारे भारत की वुमेन क्रिकेट टीम की, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना ये है उदय देश पांडे, जैसे मैंने आपको बताया है। तो उदय देश पांडे ये एक मल्याखम खेल के कोच हैं। मल्याखम खेल कौन सा होता है, तो लकड़ी या फिर लकड़ी का खंभा या फिर रस्सी के ऊपर जो करतब दिखाते हैं ना वो होता है मल्याखम खेल। अब इस क्वेश्चन में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शिव छत्रपति पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये मेनली महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत के पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हमारे भारत के पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का जो उद्घाटन है इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया। कोलकाता कहाँ है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और इस फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, कोलकाता के अंदर, तो कोलकाता के साइंस सिटी में इसका उद्घाटन किया गया है। किन्होंने उद्घाटन किया है, तो महेश शर्मा ने उद्घाटन किया है। महेश शर्मा कौन है, तो महेश शर्मा ये हमारे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हैं, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में बाली स्मिथ बॉयकर का निधन हो गया, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित थे। तो बाली स्मिथ बॉयकर ये एक वैज्ञानिक है। देखिए जो बाली स्मिथ बॉयकर है ना ये एक जलवायु वैज्ञानिक है, और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दी ये है बाली स्मिथ बॉयकर। एज आपको पता होना चाहिए 87 ईयर की एज है इनकी। कहाँ के जलवायु वैज्ञानिक है, तो ये न्यूयॉर्क के जलवायु विज्ञानिक। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बाली स्मिथ बॉयकर है ना ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पृथ्वी और पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर भी हैं। इनका नाम इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इन्होंने पहली बार ग्लोबल वार्मिंग वर्ड को यूज़ किया था। देखिए 1975 में इन्होंने एक लेटर में ग्लोबल वार्मिंग वर्ड का यूज़ किया था पहली बार, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीता, तो उनका नाम है अब्दुल अजीज मोहम्मद। ये जो आपका पिक्चर में दिखाई दे ये है अब्दुल अजीज मोहम्मद, ये कहाँ के हैं, तो ये सूडान के। इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया सरकार की जो बहुत ही क्रूर शरण साधक नीति है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सूडान के हैं, तो सूडान के बारे में नोट कीजिए, यहाँ पर सूडान, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, सूडान की करेंसी है सूडानिश पाउंड, और प्रेसिडेंट है ओमारल बशीर, और प्राइम मिनिस्टर है मोताजज मौसा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी सूडान के बारे में जो कि आपको नोट करनी थी। सो फ्रेंड्स ये थी आपकी 20 फरवरी के करंट अफेयर्स, और जैसे कि स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था कि लास्ट में एक टेस्ट दिया जाएगा ना, तो क्वेश्चन है आपका कि किसको पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार दिया गया, उनका नाम बताना है इन चार ऑप्शन में से। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, थैंक यू।